नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफेक्स कंपनी की प्रोक्लाइन कीटनाशक की विशेषताओं के बारे में। जी हां किसान भाइयों, हम जानेंगे प्रोक्लाइन कीटनाशक के टेक्निकल के बारे में, क्या इसमें हमें मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, कौन कौन सी फसलों पर हमें सेफेक्स कंपनी प्रोक्लाइन कीटनाशक के छिड़काव को रिकमेंड करती है, इसके साथ साथ क्या इसका हमें डोज लेना चाहिए, कौन कौन से कीटों को यह नियंत्रित करता है, सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो एकदम छोटा होने वाला है, वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, सेफेक्स कंपनी का जो प्रोक्लाइन कीटनाशक है यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, यानी कि किसान भाइयों, सकिंग पेस्ट के साथ साथ यह ईटिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीटों के साथ साथ यह चबाने वाले कीटों को काफ़ी प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर लेता है। बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसमें हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है किसान भाइयों, एमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि 5% SG यानी कि सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, यानी कि दानेदार फॉर्म में हमें यह टेक्निकल देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसका जो काम करने का जो तरीका है यानी कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, कॉन्टैक्ट एंड स्टमक पॉइजन के तरीके से यह अपना काम करता है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों पर हमें सेफेक्स कंपनी प्रोक्लाइन कीटनाशक को छिड़काव को रिकमेंड करती है। तो इसका छिड़काव हम कपास, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसी फसलों पर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी हमें देखने को नहीं मिलती है। बात कर लेते हैं कौन कौन से कीटों को नियंत्रित कर लेता है। तो यह बॉलबॉम, फ्रूट बोरर, थ्रिप्स, माइट्स, DBM यानी कि डायमंड बैक मॉथ जैसे कीटों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। इसके साथ साथ अन्य रस चूसक कीटों के साथ साथ जो चबाने वाले कीट होते हैं उनको यह काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो जिसमें हमें डोज देखने को मिलता है, इसमें जो अनुमानित डोज देखने को मिलता है वो है 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अनुमानित डोज किसान भाइयों इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फसलों की स्टेजेस के हिसाब से हमें दवा का अलग अलग डोज लेना चाहिए। तो ध्यान में ज़रूर आपको ये रखना है, जब भी आप दवा का परचेज कर रहे हैं तो दुकानदार से एक बार दवा के बारे में जानकारी और डोज के बारे में कंसल्ट करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।